एक बच्चे का दांत का जो सफ़र होता है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है, और ऐसे में बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, ना तो वो खाना अच्छे से खा सकता है, ना दूध अच्छे से लेता है, और वो चीज़ों को ढूंढता है कि कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो वो अपने मुंह में ले और उसको सहलाए। और ऐसे में उसको लूज़ मोशन की समस्या, उसे बुखार की समस्या, खांसी की समस्या, गैस की समस्या, और खाना ना खाना टाइम से, और चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, रोना, ये जितने भी सिम्टम हैं सिर्फ दांत निकलने के टाइम पे ऐसा होता है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में, और आज मैं कुछ होम रेमेडी के साथ यहाँ पर आई हूँ। तो जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो ऐसे में सबसे पहले माँ बाप के मन में ये फिक्र होती है कि बच्चा बहुत रो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, तो वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर जो होते हैं वो कैल्शियम के सप्लीमेंट देते हैं, या विटामिन D3 या मल्टी विटामिन के ड्रॉप देते हैं। हम घरेलू नुस्खे की बात करें तो घरेलू नुस्खे में आप सबसे पहले बच्चे को शहद दे सकते हैं। शहद बहुत अच्छा स्रोत है और इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं। ये हमारी दादी और नानी के नुस्खे से चलता आ रहा है। तो शहद चटाने से या शहद लगाने से बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। दूसरा, माँ ऐसा भी कर सकती है कि अपने निप्पल में शहद लगा दे, और जब बच्चा फीड के लिए तैयार हो तो जब वो पिएगा तो उसमें ऐसे क्या है कि बच्चे की मुंह की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होती है और बच्चे को काफ़ी हद तक आराम मिलता है। दूसरी रेमेडी की अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और ध्यान रखिए नाखून कटे होने चाहिए, और फिर बाद में आप बच्चे को उनके जो गम्स को अच्छे से ऐसे से हल्का हल्का दबा सकते हैं। तो ऐसे करने से क्या है कि बच्चे को बहुत रिलीफ मिलेगा। तीसरा हम ये कर सकते हैं, तीसरे रेमेडी की बात अगर हम करें तो एक साफ़ पानी आप बाउल पर लीजिए, बाउल में साफ़ पानी रखिए, और उसके बाद उसको सीधा फ्रिज में रख दीजिए। जब वो अच्छे से चिल हो जाए, ठंडा हो जाए, तब आप कॉटन का कपड़ा या टॉवल के सहारे उससे अच्छे से पानी में डुबो कर डिप करके उसको अच्छे से निचोड़िए, और फिर बच्चे के गम को हल्का हल्का सहलाइए। तो ये भी, इससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। चौथी रेमेडी की बात करें तो बच्चे की मालिश। मालिश से बच्चे के दांत का दर्द कम नहीं होगा, लेकिन सोने के पैटर्न में काफ़ी सुधार होगा। ऐसे में बच्चों को नींद अच्छी आएगी, रिलैक्स होगा। और पाँचवें रेमेडी की बात करें तो उनको तरल पदार्थ देते रहें। अगर बच्चा छोटा है, 0 से 6 महीने तक का बच्चा है, तो ऐसे टाइम पे आप उसको अपना ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं। अपना जो मिल्क है उसको अच्छे से पंप के द्वारा उसको निकालिए, फ्रिज में स्टोर कीजिए, और उसके बाद फिर जब वो ठंडा हो जाए तब आप उसको निप्पल की जो बॉटल होते हैं आप उसके थ्रू उनको पिला सकते हैं। तो उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अब बात करें नेक्स्ट रेमेडी की, तो आप जो 6 महीने से जो ऊपर बच्चे हैं तो उनको आप गाजर या ज़्यादा से ज़्यादा खीरा आप दे सकते हैं। तो उसको पहले अच्छे से फ्रिज में रख दीजिए, जो भी आप गाजर खीरा लेना चाहते हैं उसे फ्रिज में रखिए, और उसे लंबे लंबे अच्छे से स्टिक बना दीजिए काफ़ी, और उसके बाद बच्चों को दे दीजिए। वैसे बच्चे खेल खेल में भी उनको चबाएंगे या उनको सहलाएंगे तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा आराम करता है। और अगली रेमेडी जिसके बारे में बात करूँ, ग्राइप वाटर है, जिसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। मैंने अपने टाइम पे बिल्कुल यूज़ नहीं किया, तो वैसे डॉक्टर लोग भी ज़्यादा इतनी जल्दी इन सब चीज़ों में नहीं जाते, पर हाँ अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं। मैं किसी चीज़ को किसी प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रही हूँ, और ग्राइप वाटर बहुत सारे लोग देते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आराम होता है। तो यही कुछ होम रेमेडी है जो एक बच्चे के दांत को काफ़ी ज़्यादा आराम करेगा। और हाँ, बच्चे में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जब बच्चों के दांत आते हैं तो बच्चों में क्या है कि पानी की कमी होने लग जाती है, तो ऐसे टाइम पे आप उन्हें ORS का घोल दे सकते हैं। ORS दीजिए, और बच्चा जहाँ है, जिस रूम में है, जिस टॉय से खेल रहा है, प्लीज़ उसमें हाइजीन मेंटेन कीजिए, अच्छे से साफ़ सफाई रखिए उस रूम की, उस जगह की, और उस बच्चे की। और बच्चे की हाथों को 4 से 5 बार ज़रूर धोएं। कोशिश कीजिए कि वो उनका पूरा बॉडी, उनके हाथ, सब कुछ, उनका मुंह, सब कुछ अच्छे से साफ़ सुथरा हो। तो जितना अच्छा साफ़ सफाई मेंटेन होगा तो बच्चे को ये लूज़ मोशन की समस्या या बुखार की समस्या इस तरह की नहीं है, क्योंकि दांत का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे के ने जब उसके दांत निकल रहे थे तो उसे काफ़ी ज़्यादा लूज मोशन होने लगा और बहुत बुखार हुआ, तो ये रीज़न सिर्फ दांत निकलने से नहीं है, ये साफ़ सफाई ना रखने की वजह से ऐसी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप साफ़ सफाई अच्छे से रखेंगे तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया हो हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और तब तक बने रहिए इस चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत नमस्कार।